कभी संसार में देखो बिना बुलाया कुण गई, कि बिना बुलाए सती गई अपमान हुआ ती भारी। देवता का विमान आकाश मार्ग सो जाता देखकर सती शंकर भगवान सु बोली, हे भगवान आज सगला देवता खटे जा रहा है। तो शंकर भगवान के बाला गया, थारो बाप दक्ष है ने, राजा दक्ष, वो बहुत बड़ो हवन को कार्यक्रम करियो है, ए सगला देवता बैठे जा रहा है। ना सती बोली, मारा बाप के घर अतो बड़ो कार्यक्रम है तो आप भी चला। शंकर भगवान मना कर दियो, बोलो ना अपन बुलाया को नहीं, बिना बुलाया जानू नहीं। सती कह लगी, बोले भगवान वास्तव में ते हो तो बोला, भगवान बुलावा की तो दूसरा जरूरत पड़िया करे, बेटी ने बाप के घर बुलावा की कहीं जरूरत पड़गी, वो घर तो मारो ही है। शंकर भगवान कह लगे, ना थड़ी मुंह बारे पग दे दे ने, भी बाद में बुलावे ने आदर सहित, तो ही बेटी ने जानू चाहिए, बिना आदर के बेटी ने नहीं जानू चाहिए। थड़ी मुंह बारे पग दिया बाद में तो पति को घर ही भी को घर है। सती मन में विचार करियो कि भगवान तो बोला भंडारी है। शंकर भगवान के बार बार मना करने के उपरांत सती आपका बाप दक्ष के घर आई बिना बुलाया। आगे जा रहे देखे तो कह सगला देवता का सिंहासन लागेड़ा, सगला देवता विराजेड़ा, पण शंकर भगवान को सिंहासन को नहीं हो। सती क्रोधित होगी, अपमानित हुई, मन में विचार करियो के पाछी किया जाऊं, डोकरो तो मना करियो, आप तो नटता नटता आया। तो के क्रोधित होकर भी हवन कुंड के मायने कूदगी सती। हवन कुंड में कूद गई जद कोपे ही त्रिपुरारी, अठिनु कहवे भगवान भोलेनाथ क्रोधित हुआ है, महादेव ने वीर भद्रगण भेजे थे, बलकारीर कर दिया है यज्ञ को विध्वंस, और दक्ष की जान गई है मारी। राजा दक्ष खत्म हो गयो, सारा यज्ञ को नाश हो गयो, और क्रोधित होकर जद तांडव करियो शंकर भगवान, सती ने लेकर जद के घूमया है, 52 शक्ति पीठ बनेड़ा है ने, जटे जटे सती का अंग गिरिया, जटे के मस्तक गिरियो, बलोचिस्तान के मायने हिंगलाज धाम है, कामख्या है, जगह जगह 52 शक्ति पीठ। तो कभी बिना बुलाया जद सती गई, अपमान हुआ अति भारी, हवन कुंड में कूद गई जद कोपे ही त्रिपुरारी, के महादेव ने वीर भद्रगण भेजे थे बलकारी, कर दिया यज्ञ विध्वंस, दक्ष की जान गई मारी, के मूर्ख ने ना ज्ञान मिले, समझा के देख ले, मिले है रेत में अकड़ भेर गरमा के देख ले। मूर्ख ने ज्ञान को नहीं मिले, और रेत में अकड़ी मिल सी, 1 किलो रेत में 1.5 किलो घी घेर, और कड़ाव के मायने पलटंगा बोला दियो जाए, कताई किरकर कौन जाए रेत की। तो कभी संसार में दगो कुण करियो, हो जी दगा किसी का सगा नहीं, अजमा के देख ले रे, बिना बुलाए आदर को नहीं जाके देख ले रे, दगा किसी का सगा नहीं, अजमा के देख ले दी, दगा किसी का सगा नहीं, अजमा के देख ले, बिन बुलाए आदर को नहीं जाके देख ले, वो जी बिन बुलाए आदर को नहीं जाके देख ले। कह भाई देखो, कवि कति जोर की बात लिखी है कि इस संसार में दगा किसी का सगा नहीं है,
अजमा के देख ले। अरे बिना बुलाए तेरा आदर नहीं है, तू जाके देख ले। तुलसीदास भी कियो नहीं कि आए को आदर नहीं, नहीं नैण में नेहे, तुलसी वहां नहीं जाइए चाहे कंचन बरसे। जानू खटे चाहिए कि आए को आदर मिले, देखत ही बरस है नूर, तुलसी वहां जाना हक है, बठे प्रेम बढ़े है भरपूर। तो कभी इस संसार में बिना बुलाया कुण गियो, अरे काई नतीजो निकलियो। बिना बुलाए सती गई अपमान हुआ अति भारी जी, बिना बुलाए सती गई अपमान हुआ अति भारी। हवन कुंड में कूद गई गति कोपे त्रिपुरारी, हवन कुंड में कूद गई गति कोपे त्रिपुरारी। महादेव ने वीरभद्रगण भेजे थे बलकारी जी, महादेव ने वीरभद्रगण भेजे थे बलकारी। किया यज्ञ विदुंस दक्ष की जान गई मारी, किया यज्ञ विदुंस दक्ष की जान गई मारी। मूर्ख ने ना ज्ञान मिले हैं जी दिज दी हो, मूर्ख ने ना ज्ञान मिले समझा के देख ले, मिले रेत में अकड़ फेर कर माँ के देख ले। दगा किसी का सगा नहीं अजमा के देख ले। कभी संसार में देखो बिना बुलाया कुण गई, कि बिना बुलाए सती गई अपमान हुआ ती भारी। देवता का विमान आकाश मार्ग सो जाता देखकर सती शंकर भगवान सु बोली, हे भगवान आज सगला देवता खटे जा रहा है। तो शंकर भगवान के बाला गया, थारो बाप दक्ष है ने, राजा दक्ष, वो बहुत बड़ो हवन को कार्यक्रम करियो है, ए सगला देवता बैठे जा रहा है ना। सती बोली, मारा बाप के घर अतो बड़ो कार्यक्रम है तो आप भी चला। शंकर भगवान मना कर दियो, बोलो ना अपन बुलाया को नहीं, बिना बुलाया जानू नहीं। सती कह लगी, बोले भगवान वास्तव में ते हो तो बोला, भगवान बुलावा की तो दूसरा जरूरत पड़िया करे, बेटी ने बाप के घर बुलावा की कहीं जरूरत पड़गी, वो घर तो मारो ही है। शंकर भगवान के बाला गया, ना थड़ी मुंह बारे पग दे दे ने, भी बाद में बुलावे ने आदर सहित, तो ही बेटी ने जानू चाहिए, बिना आदर के बेटी ने नहीं जानू चाहिए। थड़ी मुंह बारे पग दिया बाद में तो पति को घर ही भी को घर है। सती मन में विचार करियो कि भगवान तो बोला भंडारी है। शंकर भगवान के बार बार मना करने के उपरांत सती आपका बाप दक्ष के घर आई बिना बुलाया। आगे जा रहे देखे तो कह सगला देवता का सिंहासन लागेड़ा, सगला देवता विराजेड़ा, पर शंकर भगवान को सिंहासन को नहीं हो। सती क्रोधित होगी, अपमानित हुई, मन में विचार करियो कि पाछी किया जाऊं, डोकरो तो मना करियो, आप तो नटता नटता आया। तो
तो के क्रोधित होकर भी हवन कुंड के मायने कूद गई सती। हवन कुंड में कूद गई जद कोपे ही त्रिपुरारी। अठिनों कहवे भगवान भोलेनाथ क्रोधित हुआ है, महादेव ने वीर भद्रगण भेजे थे, बलकारीर कर दिया है यज्ञ को विध्वंस, और दक्ष की जान गई है मारी। राजा दक्ष खत्म हो गयो, सारा यज्ञ को नाश हो गयो, और क्रोधित होकर जद तांडव करो शंकर भगवान सती ने लेकर जद के घूमया है, 52 शक्ति पीठ बनेड़ा है न, जटे जटे सती का अंग गिरया, जटे के मस्तक गिरियो, बलोचिस्तान के मायने हिंगलाज धाम है, कामख्या है, जगह जगह 52 शक्ति पीठ। तो कभी बिना बुलाया जद सती गई, अपमान हुआ अति भारी, हवन कुंड में कूद गई जद कोपे ही त्रिपुरारी, के महादेव ने वीर भद्रगण भेजे थे बलकारी, कर दिया यज्ञ विध्वंस, दक्ष की जान गई मारी। के मूर्ख ने ना ज्ञान मिले, समझा के देख ले, मिले है रेत में अकड़ भेर गरमा के देख ले। मूर्ख ने ज्ञान को नहीं मिले, और रेत में अकड़ी मिल सी, 1 किलो रेत में 1.5 किलो घी घेर, और कड़ाव के मायने पलटंगा बोला दियो जाए, कताई किरकर कौन जाए रेत की। तो कभी संसार में दगो कुण करियो, अब दगा किया दुर्योधन ने, हो जी हाँ, दगा किया दुर्योधन ने पांडवों के संग में जी, दगा किया दुर्योधन ने पांडवों के संग में, पवन पुत्र को झेर दे दिया दारिया गंधी में, पवन पुत्र को झेर दे दिया दारिया गंधी में, झूठ कपट कर राज ले लिया, झूठ कपट कर राज ले लिया परे उमंग में जी, झूठ कपट कर राज ले लिया परे उमंग में जी, बुरा नतीजा हुआ देख लो केरू के संग में, बुरा नतीजा हुआ देख लो केरू के संग में, बेईमानी का वृक्ष बुरा है जी 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 हाँ, बेईमानी का वृक्ष बुरा है तू बाके देख ले जी, बेईमानी का वृक्ष बुरा है बाके देख ले, जाके फल तो कड़वा लागे खाके देख ले रे, दगा किसी का सगा नहीं अजमा के देख ले, बिन बुलागे आदर कोनी जाके देख ले। कभी दगा किया दुर्योधन ने पांडवों के संग में, पवन पुत्र को जहर दे दिया डार दिया है गंग में, भीम ने जहर दे दियो गंगा में बुआ दियो, अरे झूठ कपट कर राज ले लिया भरे उमंग में, अरे बुरा नतीजा हुआ देख लियो कैरवों के संग में, कहे बेईमानी का वृक्ष बुरा है तू बाके देख ले, जाके फल तो कड़वा लागे तू खाके देख ले। तो कभी इस संसार में तू मनुष्य की देह धार कर आयो है बावड़ा, अब राम नाम सत्संग बिना तेरा जग में आना फीका रे, राम नाम सत्संग बिना तेरा जग में आना फीका
मात पिता की सेवा बिना तेरा तीरथ नाना फीका रे। मात पिता की सेवा बिना तेरा तीरथ नाना फीका रे। जहाँ निरादर हो उस घर में नर तेरा रहना फीका रे। जहाँ निरादर हो उस घर में नर तेरा रहना फीका रे। बिन जाने सुरताल सदा में मुंह बाणा तेरा फीका रे। बिन जाने सुरताल सभा में मुंह बाणा तेरा फीका रे। बिना कंठ के गाना फीका जी 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 हो। बिना कंठ के गाना फीका गा के देख ले रे। बिना कंठ के गाना फीका गा के देख ले। गुरु बिना मिले न ज्ञान वेद उठा के देख ले रे। लगा किसी का सगा नहीं अजमा के देख ले। बिन बुलागे आदर कोनी जाके देख ले। देवी राम नाम सत्संग बिना तेरा जग में आना फीका। देखो सब मोटी बात तो आई है कि मनुष्य की देह धारण करी है और सत्संग नहीं करी बिना कई संसार में तू फीको है। जिया बिना गुड़ के कसार फीको है, बिना घी के दान फीको है। जी हाँ, आ मनुष्य की देही है बिना राम नाम के बिना सत्संग के वो फीको रहे। पढ़ करा कही घना घना मन में विचार आवे के देख कई हो रही है। पर देखो आजकल हर तरीको चाहिए जागरण सत्संग के मायने। या भजन ही भजन गावे एक जना राम का नाव में आलस बहुत आवे। एक तो ना माए माए कहीं थोड़ो चाल बो करे ने भाव के अनुसार कोई चुटकलो है जना युवा पीढ़ी की रंगी नींद उड़ जाए। ना कहेंगे मन में विचार हुए कि सोशल मीडिया पर जकी चीज देखवा लाग जाए ना भाई ज्यादा दिखाया करे सोशल मीडिया को नेम हुआ हो। अब चुटकला देखे ना चुटकला ही चुटकला दिखाओ भजन तो है कि दिखावे को नहीं। कई फोन करके जी भजन भी गावो हो को नहीं गावो। मैं को मारे ये चीज को घमंड है कि मन जत्ता पुराना भजन आवे ने। क्योंकि हमारे पिताजी सुरगे चावड़दान जी नामी भजन हम जखान बजा कर रहे हैं। क्योंकि 25 साल तो मैं सागे रही हो सूरपदा का खता लावण्या का नानी भाई को मायरो बंगे बराबर को नहीं गयो कोई। तो बाकन जब तो सिस्टम हो तो सगड़ो को सगड़ो मारो ग्रहण करेड़ो। पर अब मन तो गाबा को मौको ही को नहीं मिले। तमाश था कोई सुबह वारी का सा कोई पुराण के आदमी मिले जिना जरूर कोई चौकी चीज सुना बा को मन करे। क्योंकि ग्राहक के गेली चीज पुरुषनी पड़े। हा अब मारा मन में आवे कि गावे पुराना पुराना भजन रखता लावणे आपा सीखी वे तो आप तो मन भूली जी लगी पाछी। क्योंकि जमानो थोड़ो अलग आई गो। हाँ मन में रहे के कोई जागरण हुआ को पाती आवे जो अपना जत्ता भी पुराना पुराना भजन के जगह कोई का सुनेड़ा को नहीं अत्ता पुराना भजन। तो कभी राम नाम सत्संग बिना तेरा जग में आना है फीका और मात पिता की सेवा बिना तेरा तीर्थ नाना है फीका। देखो माँ बाप ने तो पानी को लोटो को नहीं पकड़ा वे अरे गाल गड़ा के माए बह कर तीर्था जाऊं तो वो फीको है तारो तीर्थ जाबो। तीर्थ तो घर में ही बैठे है करिया। तो जहां निरादर हो उस घर में नर तेरा रहना फीका। बिन जाने सुरताल सभा में मुंह बाणा है तेरा फीका।
अब सभा के मायने आ निरादर हो उस घर में नर तेरा रहना फीका, बिन जाने सुरताल सभा मेरे मुंह बाणा तेरा फीका, बिना कंठ के गाना फीका तू गाके देख ले, और गुरु बिना मिले ने ज्ञान वेद उठा के देख ले, गुरु के बिना ज्ञान को नहीं मिले। अगर संगीत में भी शालगण एक तो बहुत तलवा चाटना पड़े, गुरु की सेवा करनी पड़े, जनाजार कोई प्राप्त हुए तो। अंत में कभी कहे अब इस जग में तू आयो रे बंदा, रोज भलाई कर ले रे, हो हो प्रभु जी, प्रभु जी। इस जग में तू आयो बंदा, रोज भलाई कर ले, रोज भलाई कर ले, जे भलाई, जे भलाई नहीं पड़े तो, नहीं पड़े तो मत्ता बुराई लीजे, मत्ता बुराई लीजे। और राम नाम रस मीठो घणो है, राम नाम रस मीठो घणो है, तू पी के देख ले रे, राम नाम रस मीठो घणो है, पी के देख ले। लक्ष्मी चंद तन कहने लाग रहा मत ना तारा तर रे, लक्ष्मी चंद तन कहने लाग रहा मत ना तारा तर रे। दगा किसी का सगा नहीं अजमा के देख ले, दगा किसी का सगा नहीं अजमा के देख ले, बिन बुलागे आदर को भी जाके देखी ले। जग में तू आयो बंदा रोज भलाई कर ले, और जे भलाई नहीं बने तेरे सो तो बावड़ा मत बुराई लीजिए। राम नाम को तांतो लाग रियो रोज फड़ाई कर ले, लक्ष्मी चंद तन कहने लाग रहा है मत ना टारिया टर रे, और राम नाम रस मीठो गणो है तू पीकर देख ले, बिन बुलाए तेरा आदर नहीं है तू जाकर देख ले। दगा किसी का सगा नहीं तू अजमा के देख ले, बिन बुलाए तेरा आदर नहीं है तू जाके देख ले। बोल पूर्णदास बाबा की जय हो, बोल भगत और भगवान की जय हो।